पीथमपुर नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन के बैनर तले मंगलवार से काम बंद करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सफाई का कार्य बंद कर दिया है। ज्ञात हो कि सफाई कर्मियों द्वारा पिछले कई दिनों में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल करते रहे हैं, जिनका निराकरण आज तक नहीं हो पाया, जिसको लेकर सफाई कर्मियों द्वारा फिर हड़ताल कर राज्य सरकार से मांग की जा रही है कि हमारी मांगों को गंभीरता से लेते हुए हमारी मांगों का जल्द निराकरण किया जाए। हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी, हम अनिश्चितकाल हड़ताल करते रहेंगे। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से नहीं मांगते। अब अपना अधिकार मांगते हैं, हम हमारा अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से नहीं मांगते। जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ, आज ये बस स्टैंड पे हड़ताल रखी है, क्या है पूरा मामला? ये हमारी शासन से मांग है कि जो भी मास्टर कर्मी है, जो 7 से लेकर 16 तक के हैं, उनको सबको स्थायी किया जाए, स्थायीकरण किया जाए, ना कि विनियमितकरण किया जाए। विनियमितकरण में उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। बाकी ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए, इससे बहुत शोषण हो रही है समाज का, और 6-7 हज़ार रुपये कुछ होता नहीं है, और अपने बच्चे भी नहीं पाल पाते ढंग से, ना उनकी पढ़ाई कर पाते। तो हमारी शासन से यही मांग है कि जो भी मास्टर कर्मी है, दैनिक वेतन भोगी, उनको स्थायीकरण किया जाए उनका, और अनुकंपा नियुक्ति दी जाए जो भी उस पर अगर उनकी मौत होती है, तो मेडिकल व्यस पे भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। जो अपने काम करने में अक्षम है, वो अगर मेडिकल देते हैं तो उसके स्थान पे उसके परिवार को एक नौकरी दी जाए स्थाई, और योग्यता के अनुसार दी जाए। हमारी यही शासन से मांग है, और हमारा पूरे प्रदेश में 1 साथ सफाई बंद हड़ताल चल रही है, और जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती है तब तक ये हड़ताल जारी रही, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देना पड़े। क्या आपका नाम और पद बताएं? मेरा नाम संजय भैरवे, धार जिला अध्यक्ष पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।